गाइस काफ़ी सुंदर यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह, बहुत आनंद आ रहा है। तो चलते हैं, अभी ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं ऊपर पूजा करने के लिए। और मैं लिया हूँ पूजा करने के लिए यहाँ पे थाली। क्योंकि रांची का सबसे फेमस पहाड़ी मंदिर है। आगे में चलते हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और आज 30 भी है, तो मैं सोचा तो पूजा पाठ करके ही यहाँ से निकलेंगे। तो चलते हैं मंदिर के आगे, सीन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी मंदिर पूजा करने के लिए हमने 250 सीढ़ियाँ भी चढ़ लिया है, अभी और ऊपर चढ़ना बाकी है। देखते हैं टोटल कितना सीढ़ी पड़ता है और आपको दिखाते हैं। बहुत ऊँचे पहाड़ पर पहाड़ी मंदिर है और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा, तो एक बार लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ आने के लिए मैंने लोकेशन आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, टोटल सीढ़ियाँ यानी 396 हम चढ़ चुके हैं और अब आ चुके हैं पहाड़ी मंदिर के गेट पे। और सीन दिखा देता हूँ, ये पहाड़ी माँ का मंदिर है। काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं पहाड़ी मंदिर और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और काफ़ी ऊँचे पे है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम आ गए हैं पहाड़ी मंदिर रांची में जो है स्थित है, तो यहाँ पर आ गए हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया था RLC ग्रुप डी का, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ का काफ़ी नामी मंदिर है, तो यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। तो अगर आप पहाड़ी मंदिर आना चाहते हैं तो डायरेक्ट रातू रोड आ जाइए, रातू रोड से नियर अबाउट 10 मिनट लगे आपको यहाँ पर पहाड़ी मंदिर आने में। तो यहाँ से आप सामान ले चुके हैं और इधर मैं दिखा रहा हूँ, इधर से रास्ते से आएंगे और ये रहा पहाड़ी मंदिर का मेन गेट, इससे ऊपर चलेंगे। और अब यहाँ से हम पूजा का थाली उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी मंदिर अभी इन कर चुके हैं और अभी चल रहे हैं पहाड़ी मंदिर में और चलते हैं यहाँ से पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद निकलेंगे, फिर चलेंगे अपने रूम। तो फ्रेंड्स, हमने पूजा वूजा कर लिया है, पूजा वूजा करने के बाद अब यहाँ से निकलेंगे। तो कुछ इधर का सीन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से पूरा रांची सिटी का सीन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, दिखा रहा हूँ पहाड़ी मंदिर के ऊपर से पूरा रांची का सिटी दिखाई देता है। और इधर मैं अपना मनोकामना के लिए, मनोकामना जो चुनरी बांधते हैं, इधर मैं धूप चलता है और यहाँ पर नारियल फूटता है। और हमने भी पूजा वूजा कर लिया है, ये पूजा वूजा करके मेरा ये डाली है। और थोड़ा चलिए ऊपर में दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर जो है। यहाँ पे मनोकामना चुंदरी जो बनाया जाता है, जो अपनी इच्छा में पूरा मतलब हो जाता है, पूरा करने के लिए जो आप चाहते हैं तो मनोकामना बांध करके यहाँ पे बांध दे सकते हैं। तो गाइज, यहाँ से रांची पूरा शहर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा क्यूट लग रहा है। तो गाइज, जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। यही है मनोकामना मंदिर। और चलिए कुछ अंदर का सीन दिखाते हैं। तो गाइज, जो मेन मंदिर है वो मेन मंदिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेन मंदिर यहाँ है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है।
यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। मेन मंदिर यही है पहाड़ी मंदिर, और यहाँ पे सब पूजा करते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नामी यहाँ का मंदिर है। जो भी अपना मन्नत मांगना है यहाँ पे, वाकई बहुत लोग सब मन्नत मांगते हैं। और तो गाइस पूजा करके फिर इधर सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। तो गाइस इधर में भगवान बजरंगबली का मंदिर है, और चलिए आगे दिखाते हैं।